gotta give him a red stick. एवरीवन व्हाट्सएप परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे हो गए। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं मुंबई वापस आ चुकी हूँ, काफ़ी दिन हो गए, डोंट वरी। और अभी मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, निकी के यहाँ। निकी पहले भी व्लॉग्स में आ चुकी है बहुत सारे, हम लोगों ने मिलके बहुत सारे चैलेंजेस किए हैं। तो अभी मेरा प्लान था लोखंडवाला घूमने का, देखने का कि अभी इस टाइम पे लोखंडवाला की हालत क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना निकी के साथ चला जाए, मास्क हटा सकती हूँ। तो निकी लेके जा रही है हमें लोखंडवाला, और हम लोग साथ में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा चल रहा है लोखंडवाला में। हो जाएगी, चलो निकी गाड़ी स्टार्ट कर रही है। बहुत दिनों बाद कर रही है गाड़ी स्टार्ट, देखते हैं क्या रहता है। निक्की की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है दोस्तों, तो हम जा रहे हैं पेट्रोल भराने। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी, हुई है, चल रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए। और देखते हैं, गाड़ी कहीं रुकनी नहीं चाहिए, चल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग लोखंडवाला की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये बैक रोड है और बस यहाँ से शुरू हो जाता है लोखंडवाला। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाती हूँ मैं कि सारी दुकानें खुली हैं कि नहीं खुली हैं। आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है लोखंडवाला में। और मैं दोनों साइड से दिखाना चाह, देखिए दुकानें सारी खुली हुई हैं। ये देखिए ट्रैफिक कितना लग रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। देखिए सारी फैशन की दुकानें खुल गई, देखिए लहंगा मिल रहा है, वन पीस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है भाई, सब खुल गया है। बच्चों की, बड़ों की, सबकी दुकानें खुल गई हैं। ये दो बीच में दुकानें बंद है, बट आगे चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, देखिए सारी दुकानें खुली हुई हैं। देखिए लोग घूम रहे हैं, शॉपिंग करने आए हुए हैं। ये देखिए बहुत भीड़ है भाई, ये देख रहे हैं हाई पॉइंट, यहाँ पे पहले बहुत भीड़ रहती थी, सब बैठ के खाया करते थे, ये बंद है। तो यहाँ पे खाने पीने की दुकानें तो मुझे नहीं लग रहा खुली हुई हैं, टेक अवे होगा शायद, फेमस था हाई पॉइंट। बाकी दुकानें खुली हैं कपड़ों की और बाकी सामान की दुकानें खुल चुकी हैं। तो ओवरऑल जो है लोखंडवाला खुल चुका है ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप भी देख सकते हैं कि आपको कुछ खरीदारी करनी है तो आप जाके कर सकते हैं। सिटी गर्ल, ओ ये देखिए, ये देखिए सारा लोखंडवाला खुल चुका है, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, शॉपिंग करने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा है, कुछ लोगों ने नहीं लगा रखा है। और देखिए दोनों साइड दुकानें खुली हुई हैं। मुझे तो लग रहा था कि सब बंद रहेगा, कुछ दुकानें खुली होंगी, लेकिन सब खुल चुका है, मुंबई पूरा खुल चुका है बस। हाँ ये है, ये चीज़ मुझे लग रही है कि सिर्फ खाने पीने के जो रेस्टोरेंट वगैरह था वो सब नहीं खुले हैं, खुले भी हैं तो टेक अवे वाला लग रहा है मुझे सिस्टम। मेरा मकसद था आपको लोखंडवाला दिखाना कि लोखंडवाला कितना ओपन है, मुंबई कितना ओपन है, यहाँ पे यहाँ के जो फेमस मार्केट हैं वो खुली है कि नहीं खुली है और किस हद तक खुल गई है। ये देखिए मास्क के बिना घूम रहा है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती थी, जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि मुंबई की मार्केट पूरी तरीके से खुल चुकी है। ये देखिए शायद फूड रेस्टोरेंट है जो कि बंद है, कोई बैठ के रेस्टोरेंट में खा नहीं सकता है। अगर आप कहीं मार्केट जाते हैं तो ये सोच के जाइए कि कुछ खरीदने ही जा रहे हैं वहाँ, कुछ खाने पीने को बैठने को नहीं मिलेगा, सामान खाना खरीद के खा सकते हैं बट बैठने को नहीं मिलेगा। यो!
लोखंडवाला में घूम चुके हैं। लोखंडवाला में आपने देखा सारी दुकानें खुली हुई हैं और जिस हिसाब से ट्रैफिक लगा हुआ है उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ खुल चुका है। देखिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं वर्सोवा की तरफ। ये है निकी, चलो पास दिखाते हैं। हम जा रहे हैं वर्सोवा की तरफ, पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो चलिए आपको दिखाते हुए चलते हैं। अब हम लोग वर्सोवा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए वर्सोवा के रास्ते। ये सामने है वर्सोवा बीच और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आगे। तो हम लोग आगे हैं वर्सोवा। वर्सोवा बीच मैंने आपको पहले भी दिखाया है और अब दिखा रही हूँ मैं वापस से कि इस टाइम अब काफी टाइम बाद दिखा रही हूँ मैं आपको। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है। और मुझे एक चीज यहाँ पे देखने को मिली, भीड़ तो दिख रही है, साथ ही साथ जितने लोग हैं ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। ये कितनी गलत बात है, बिना मास्क के घूम रहे हैं। निक्की आगे जा रही है रास्ता दिखाते हुए और दो घोड़े हैं जिस पे सवारी करने के लिए बना रखा है। ये लाइफ गार्ड है, क्यों? क्योंकि पानी बहुत आगे तक आया हुआ है शायद इसलिए, है ना? बहुत सारे लोग आए हैं। पानी मैंने आपको पहले वर्सोवा दिखाया है ना, पानी इतना आगे नहीं आता है, बहुत दूर रहता है। इतनी गंदगी क्यों है वर्सोवा पे? पहले तो नहीं थी, मतलब घर का कूड़ा सारा यहीं फेंकने आते हैं क्या लोग, है ना यार? क्या है ये, मुंबई है, इतनी गंदगी करोगे कहाँ से आएंगे टूरिस्ट यार? इतना सुंदर शहर को इतना गंदा बना रखा है तो कहाँ से रहेगा कोई टूरिस्ट, क्यों आएगा? ये भी गोवा जैसा बन सकता है, नहीं बन पा रहा है क्योंकि सिर्फ गंदगी यहाँ पे बहुत है इस वजह से। गोवा के बीचेस मैंने आपको दिखाए थे कितने सुंदर थे, यहाँ का बीच देखो वो खा रहे हैं कौवे, इतना कचरा है यहाँ पे। शिट मैन, सीरियसली क्या कहना चाहती हूँ निकी पर? तो कुछ नहीं बोलो, अपन भी मास्क निकाल रहे हैं, बाकी तो किसी ने लगा नहीं रखा। देखो दिखाओ सबको समुद्र, ये समुद्र वाला सांप लग रहा है मुझे, कौवा खा रहा है, सांप लग रहा है मुझे तो। इतनी लंबी फिश नहीं यार, दोस्तों मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि गोवा के व्लॉग बताइए।
हो आपको कैसे लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मुंबई के व्लॉग्स बनाऊँ, यहाँ सब कुछ खुल गया है तो मुझे लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैंने पिछली बार आपको वर्सोवा दिखाया था, लेकिन अभी देखिए वर्सोवा पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। ये सुन देख कर बहुत ही बेकार लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जहाँ गोवा इतना ज़्यादा क्लीन था, वहाँ मुंबई इतनी वहाँ बड़ा शहर है फिर भी इतना ज़्यादा गंदा है। तो दोस्तों हम लोग वापस आ चुके हैं, थक गए हैं, शाम हो गई, अंधेरा हो गया है, तो निकी के घर आ गए हैं। मैं अंधेरी भी है निकी के घर, तो इधर ही आ गया। और अब थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकलूँगी, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं ये बोलना चाहती हूँ, मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा शिकायत है। एक तो मेरे जितने भी वीडियोज़ लोग देखते हैं उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा मन भी करता है वीडियो बनाने का उसके बाद, अदरवाइज़ थोड़ा सा वो मोरल डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका नया वीडियो कब आ रहा है, जबकि मेरे वीडियो आ चुके होते हैं। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मैंने गोवा के बहुत सारे ब्लॉग बनाए हैं, गोवा की पूरी सीरीज़ बनाई है, प्लीज़ जाके चेक करिए। और पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, सजेशन हो कुछ मेल कर सकते हैं। और चलिए फिर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय। It's not a game, it's a race.